ये है दिल्ली दर्पण। जब सुबेरे हमारे पास आज तक वाला आया, जब इनका सुबेरे जो इनका जब रैली निकला मैडम, इनके पास बंदूक और चक्कू तलवार वो लेके निकला। हमने कुछ नहीं करा, तीन बार निकला, वो वीडियो भी हमने यहाँ पर जो आज तक वाला सुबेरे हमारे पास आया हमने उनके सामने दिखाया, तो बोला क्या प्रूफ है तुम्हारे पास उनके पास तलवार था। हमने बोला दिखाता हूँ मैडम, हम कहता लेके आओ, मोबाइल से लेके दिखाया। आज तक वो हमारे सामने कहीं आए नहीं, घुमा फिरा के जो हमारे खिलाफ बात है, हम लोगों ने दंगा भड़काया, हम लोगों ने ये करा, हम लोग उसका लावा हमारे नसीब में और कुछ नहीं आया, तो इसीलिए हम थक गया बोलते बोलते। उसी दिन दूसरे ही दिन सवेरे सारा प्रूफ हमने आज तक वाले को दिया। उन्होंने बोला क्या प्रूफ है तलवार लेके आया था। हमने आज दोपहर का जो जुलूस था मैं सारा दिखाऊंगा आपको, सारा मोबाइल में उनको प्रूफ दिखाया मैंने, लेकिन आज तक वो नहीं दिखाया गया। मस्जिद के सामने पत्थरबाजी करना, ऊपर चढ़ के झंडा लगाना, ये क्या मतलब है आपके? वहाँ पर भी तो एक मंदिर है, काली मंदिर है, वहाँ पर पूजा पाजी कितने कुछ होते हैं। आज तक हमने किसी ने न रोका न बोला, क्यों? हम मिलजुल के वहाँ रहते हैं, मगर ये पता नहीं कहाँ के बंदे हैं, ये आके घुस के ऐसे दंगाबाजी करने लग गए रमजान के टाइम। हम हाँ अंसर जानते हैं, कैसा व्यक्ति थे वो? अच्छा व्यक्ति थे वो, हक्केले बोलते वो। उस लड़ाई में उसका कोई लेना देना मतलब कोई भी नहीं था, वो सिर्फ समझा रहे थे बच्चों को, भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कौन आपसे आपसे बुलवा रहा है ऐसा, तुम हम भी भाई हो, तुम भी भाई हो, बेटा तुम चले जाओ, उसको मुद्दा बना दिया, करिए शिकारा उसको। बच्चे के पास जो चक्कू था, वो बच्चे उसी गाड़ी में से उसका जो अंसर भाई ने पुचकार रहा था, वो वाला सीन देखो आप, वो वाला सीन यहाँ पर नहीं दिखा रहा। जे बच्चे ये तलवार का क्या काम है तुम्हारे पास? पहले भी कभी अंसार की तरफ से कोई पुलिस केस का कुछ होता था? हाँ, एक दो जैसे लड़ाई झगड़ा तो सर होता रहता, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है, इतना लगाते है ये सबको। अरे मैडम क्या हुआ, एक अंसार जेल में है, हजार अंसार निकलेगा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, बस सही बात है। बिना कसूर में अगर उठा कर ले जाओगे तो कौन कैसे बोलेगा, बोले ऐसे कैसे छोड़ देगा, आज हमारा मस्जिद तोड़ने मान ने घर में घुस गया तो हमारे बच्चे लोग निकले, वो उग्रवादी हो गए, वो आतंकवादी हो गया और बंदूकबाज हो गया। बंदूक क्यों हाथ में लिया, क्यों लिया? वो बचने के लिए लिया है, वो अपने हिफाजत करने के लिए निकला है। उन्हीं को मुख्य आरोपी कितने पता नहीं कितने कितने केस देके करे। हम तो ये चाहते बिना कोई केस लगा भी हमारे बच्चे को छोड़ दे, बिना कोई केस लगा भी हमारे बच्चे को छोड़ दे। पहले उनको पकड़ो जो उसकाया, क्यों ऐसा उसकाया, जब भी तो वो निकला है, चाहे हत्या के लिए निकले या बंदूक लेके निकले या ईंट पत्थर करे कुछ भी करे, जब भी बाद में तो निकला है, वो अपने बचाव के लिए निकला है। और शौक नहीं है हमारे जो किसी का खून खराबी करे। अंसार लड़का जैसा है तो है नहीं बस्ती में, अंसार बोलो। बाकी और जो है हमारे बच्चे, यहाँ एक हमारा भतीजा है, क्या नाम उसका, जाकिर है, और कम उम्र की बच्चा है, उसको भी उठा के लेके गए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर